हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पनीर बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मुझे चाहिए पनीर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, जीरा, प्याज, चार बड़े हैं, मीडियम साइज़ के प्याज है, लहसुन, टमाटो, यहाँ पे है कसूरी मेथी, तेज़पत्ता, गर्म मसाला और सॉल्ट। यहाँ पे मैं पहले से ही कढ़ाई में तेल गरम कर रही हूँ पैन में। पनीर बनाने के लिए सबसे पहले जीरा, तेज़पत्ता, लहसुन इसे फ्राई कर लेंगे। इसके बाद ये प्याज, इन सबको लाल होने तक अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। ऑनियन देखिए कितनी अच्छी तरीके से ब्राउन हो गई है। अभी इसमें टमाटर डाल देंगे, सॉल्ट, ताकि सारे टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए। टमाटर अच्छी तरीके से गल गई है, अभी इसमें थोड़ी हल्दी, जीरा पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर के बाद ये कसूरी मेथी, ये सब डाल के फिर से फ्राई करेंगे। मसाला फ्राई हो गया है, अभी ये 400 ग्राम पनीर इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी चला के फिर इसमें पानी डालेंगे। हल्के आटे से इसे चलाना है ताकि ये ना टूटे, और इसे ज़्यादा देर भी फ्राई नहीं करना है। थोड़ी सी फ्राई करके फिर पानी डाल देंगे। पनीर भी फ्राई हो गई है, अभी पानी डाल दे रही हूँ इसमें। अब इसको ढक करके कम से कम 10 से 15 मिनट कम आंच में इसे पकाएंगे। पनीर रेडी है, ये आप रोटी के साथ या चावल के साथ आप इसे खा सकते हैं। होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।